टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश अहमदीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलबा मुमरा एमआईएम पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान ने आज ठाणे कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आज सुबह से ही एमआईएम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुमरा पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। ये बताया जा रहा था कि मुमरा पुलिस स्टेशन में सैफ पठान पहुंचेंगे और खुद को सरेंडर करेंगे, मगर इसी बीच अफवाह ये भी फैल गई कि सैफ पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मगर उसके बाद फिर जानकारी सामने आई कि सैफ पठान ने खुद दोपहर के वक्त में ठाणे कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 13 महीने पहले ही सैफ पठान को मुमरा से तड़ीपार कर दिया गया था, मगर तड़ीपारी रुकने के बाद सैफ पठान पर दाखिल 354 के एक मामले में उनकी बेल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। इसी दौरान एक एडवोकेट ने सैफ पठान पर 1 फरवरी 2022 को डराने धमकाने का एक और FIR दर्ज करवा दिया था। इसके बाद सैफ पठान ने आज ठाणे कोर्ट में पहुंचकर खुद सरेंडर कर दिया और शाम के वक्त सैफ पठान को मुमरा पुलिस स्टेशन में लाया गया है। इस दौरान MIM पार्टी के मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज अहमद और ज्वाइंट सेक्रेटरी शमशाद शेख मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस दौरान इन्होंने क्या जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, सैफ की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, तो ये गिरफ्तारी नहीं है, उसने कोर्ट के अंदर सरेंडर किया है। वो हमारी पार्टी का बहुत ही निडर और बहुत ही बेहतरीन सिपाही है, उसी के लिए हम लोग बॉम्बे से यहाँ चलकर आए हैं और हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, यहाँ के सिस्टम पर भरोसा है, इसलिए हमने उसे मोटिवेट किया कि आप जो है सरेंडर करके अपने आप को बेगुनाह साबित करिए और हमें पूरा यकीन है कि वो बेगुनाह साबित होगा इंशाल्लाह। भैयाज भाई, आप अंदर गए थे, क्या डिटेल है पूरा मामला, कितने दिन की पीसी मिली है? देखिए, अभी उसकी कोई जानकारी नहीं हमारे पास। हम जाके सीनियर से मिले, उनसे बात की है और हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। सैफ पठान जो है कोर्ट के अंदर अपने आप को पेश किया, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई, वहाँ से यहाँ पर आए। अभी लीगल मैटर चलेगा और हमको लीगल सिस्टम पे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह हमारा सैफ जो है बेगुनाह होकर साबित होकर बाहर आएगा। क्या लगता है, इलेक्शन से पहले सैफ पठान बाहर आ जाएंगे? नहीं देखिए, वो तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा, समझे ना, क्योंकि जो ताकतें उसको फंसा रही हैं वो नहीं चाहते कि सैफ बाहर आए, लेकिन हमारी कोशिश है कि सैफ जो है चुनाव पीरियड के अंदर बाहर रहे और अपने पार्टी का काम करे, नौजवानों को मोटिवेशन करे और पार्टी को मजबूत करे। आखिर इतना वक्त क्यों लग गया उनको सरेंडर करने? मेरा भाई देखिए, पहले उन्होंने हाई कोर्ट में डाला जहाँ रिजेक्ट हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गई, तो हमने कहा कि तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, चौकी में या कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दूँ और न्याय पर भरोसा रखवा, और न्याय जो है इस देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और न्याय भरोसा करके वो जाके सरेंडर किया अपने आप। सैफ पठान ने उनके जो एडवोकेट थे उनके ऊपर भी आरोप लगाया, उन्होंने भी धमकी का जो है उनके ऊपर गुनाह दाखिल कराया है। मेरा भाई, अब जो सारी बातें न्याय प्रक्रिया में है, कानून के सामने है, कानून उसका फैसला करेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। अभी आप अंदर गए थे सीनियर सर से मिलने के लिए, क्या कहा वहाँ पर आपको? नहीं, सीनियर साहब ने कहा कि हम तो एक न्याय के वो बंदिश में है, वो उन्हें कहा कि जो न्याय जो बोलेगा वही हम करेंगे और न्याय की प्रक्रिया भरोसा रखिए आप, मतलब बेशक भरोसा हमको है।